दोस्तों, अभी हाल ही में रियलमी का पैड लॉन्च हुआ था, आप लोगों को पता तो हो गई। और अब ओप्पो ने भी अपना पैड लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है ओप्पो पैड एयर। तो अब मैं आपको इन दोनों ही पैड के बीच का डिफरेंस बताऊंगा आज की इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे साइज़ और वेट की। तो रियलमी का जो पैड है, उसकी जो आपकी थिकनेस है 6.9 mm है, ठीक है। और वेट की बात करेंगे तो 440 यानी कि 440 ग्राम इसका वेट है। वहीं ओप्पो पैड की बात करेंगे तो इसमें 6.94 mm इसकी थिकनेस है और 440 ग्राम वेट, यानी कि सेम है वेट। तो बात करते हैं हम दोनों पैड की डिस्प्ले की। तो आपके रियलमी वाले में 10.4 इंच की आपकी डिस्प्ले मिलेगी और रिजोल्यूशन है 2000x1200। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 82.5 और कलर है 16.7 मिलियन, ठीक है। ब्राइटनेस है इसकी 360 निट्स। और वहीं ओप्पो पैड की बात करेंगे, थोड़ा सा अलग है, 10.36 LCD 2K स्क्रीन मिलेगी आपको इसके अंदर, और रेजोल्यूशन सेम है और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 83.5 और इसमें जो कलर मिलेंगे आपको 10 bit कलर मिलेंगे। ब्राइटनेस बिल्कुल सेम है 360। दोनों ही प्रोसेसर की बात करेंगे तो दोनों में ही बिल्कुल अलग प्रोसेसर है। इसमें मिलेगा आपको मीडियाटेक का हीलियो G80 जो कि गेमिंग प्रोसेसर है, और 12 नैनोमीटर का प्रोसेसर है ये आपका, और 2.0 GHz की क्लॉक स्पीड है। वहीं ओप्पो में मिलेगा आपको स्नैपड्रैगन 680 जो कि थोड़ा बेहतर है इससे, मीडियाटेक वाले से, और ये 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर है आपका और इसकी जो क्लॉक स्पीड है 2.4 है। स्टोरेज एंड मेमोरी की बात करेंगे तो इसमें आपको दो वेरिएंट मिलेंगे रियलमी वाले में, 3 GB 32 GB और 4 GB 64 GB। इनकी प्राइस भी आपको मैं बता देता हूँ, 15,000 रुपये का है 3 GB 32 GB और आपका 18,000 रुपये का है 4 GB 64 GB। वहीं ओप्पो वाले की बात करेंगे, इसमें दो वेरिएंट मिलेंगे आपको, 4 GB 64 GB और 4 GB 128 GB। अच्छी बात ये है, दोनों ही वेरिएंट के अंदर आप इसके अंदर 3 GB RAM एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर वर्चुअल रैम का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। प्राइस की बात करेंगे, 4 GB 64 GB 17,000 रुपये का है और 4 GB 128 GB आपका 20,000 रुपये का है। अब दोनों के कैमरा की बात करेंगे, दोनों में कैमरा बिल्कुल आपको सेम मिलेगा, फ्रंट में 8 MP है, बैक में भी 8 MP है। बैटरी और चार्जिंग की बात करेंगे दोनों की तो 7100 यानी कि 7100 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी आपको दोनों के ही अंदर, और 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिलेगा आपको रिवर्स चार्जिंग के साथ। कनेक्टिविटी की बात करेंगे, दोनों ही आपके वाईफाई हैं, लेकिन जो रियलमी वाला है इसका जो 4GB 64 GB वेरियंट है वो सिम सपोर्ट भी करेगा, वहीं ओप्पो आपका ओनली केवल वाईफाई है। ऑडियो की बात करेंगे, दोनों के अंदर आपका डॉल्बी एटमोस क्वाड स्पीकर मिलेंगे आपको, ठीक है, यानी कि क्वाड स्पीकर मिलेंगे, स्टीरियो स्पीकर हैं दोनों के ही अंदर, 2 माइक्रोफोन्स होंगे और डुअल माइक नॉइस कैंसिलेशन भी आपको मिलेगा, और सभी तरह के सेंसर्स भी आपको दोनों के अंदर इक्वली मिलेंगे। नेविगेशन बिल्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों का अलग अलग ही है, रियलमी UI 4 पैड और बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 11, वहीं आपको ओप्पो में मिलेगा एंड्रॉयड कलर ओएस 12। इनबॉक्स क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं आपको, 18 वोल्ट का चार्जर मिलेगा, वारंटी कार्ड एंड बुकलेट, टाइप सी केबल, सिम कार्ड टूल और क्विक गाइड। तो दोस्तों, ये था हमारा रियलमी पैड और ओप्पो पैड, और आज की इस वीडियो में मैंने आपको दोनों के बीच का डिफरेंस बता दिया है। दोनों में ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, कुछ चीज़ रियलमी वाले में फालतू हैं और कुछ चीज़ आपकी ओप्पो वाले में फालतू है, लेकिन थोड़ा सा ओप्पो वाले का प्राइस ज़्यादा है, लेकिन आपको वहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी मिलेगी, प्रोसेसर क्वालिटी मिलेगी, और आप रैम एक्सटेंड कर सकते हैं और इंटरनल मेमोरी भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ओप्पो वाला पैड काफ़ी बेहतर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं आपको दोनों में से कौन सा पैड अच्छा लगा है। तो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।